जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट ने संकेत दिया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HLS CATS कॉम्बैट एटॉमिक सिस्टम्स वॉरियर विकसित किया है, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 2023-24 में होगा और 2028 तक सेवा में यह एंट्री कर जाएगा। CATS कॉम्बैक्ट एटॉमिक सिस्टम जो एक ऑटोनोमस ड्रोन है, जिसे पावर देने के लिए HAL द्वारा स्वदेशी PTI-7 टर्बोजेट इंजिन का उपयोग किया जाएगा, जिसे लक्ष्य अनमैन एरियल व्हीकल में उपयोग किया जाता है। या तो कॉन्फ़िगरेशन को HTFE हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25 किलोन्यूटन डायथर्स्ट क्लास टर्बोफैन इंजन द्वारा पावर दिया जाएगा। वर्तमान CATS कॉम्पैक्ट एटॉमिक सिस्टम्स वॉरियर का टोटल टेकअप वेट 1.3 टन होगा, जबकि HTFE 25 इंजन कॉन्फ़िगरेशन में 5 टन वेट क्लास के एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए उपयोग किया जाता है। और भविष्य में हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25 इंजन का उपयोग ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में 9 टन वाले ऑनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल को पावर देने के लिए किया जाएगा, जो प्रस्ताव के तहत है। लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम को अभी तक क्लियरेंस नहीं दी गई है, क्योंकि यहां डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के विकसित रिमोट पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट RPSA के साथ कॉम्पीट कर सकता है, और इसके लिए काबेर इंजन भी जा सकता है। जी हाँ, जो कि 46 किलोन्यूटन डायथर्स्ट क्लास इंजन होगा और एक ड्राई वेरिएंट इंजन होगा, और PTI-7 एक 3.43 किलोन्यूटन डायथर्स्ट क्लास सिंगल स्पॉल टर्बोजेट इंजन है, जिसका वेट 65 kg था, लेकिन यह शॉर्ट लाइफ इंजन था। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक एडवांस्ड PTI-7 टर्बोजेट इंजन पर काम करके अपने लाइफ लाइन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जिसमें नए टर्बाइन ब्लेड और एक इम्प्रूव डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल कंट्रोल सिस्टम, हैंडनेड कंप्रेसर सेक्शन और सभी फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADC की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी।